चमरंग रोड बस्ती में लगी आग तो बुझ गई, पर बस्ती वालों के दिलो दिमाग में वो आग शायद ही बुझेगी। उनके दिलो दिमाग में आज भी वो मंजर ऐसे ही रह रहे के तकलीफ दे रहा है, और सबसे बड़ी तकलीफ का कारण उनके दिलो दिमाग में बस यही है कि रहेंगे तो रहेंगे कहाँ और कब, क्योंकि शासन प्रशासन ने आकर उनकी तकलीफें तो सुनी पर हल करने का ऐसा कोई ठोस ऐलान नहीं किया जिससे इन पीड़ितों को थोड़ी राहत मिल सके। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मेरे को यहाँ पे जो है ना 25-30 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। ठीक है सर, आज जेडी साड़ी उबत जो है ना जन उबत आई है, अपनी पंजाब सरकार ने साड़ी बिनती है कि साड़ी मसला हल करन। आज असी पहुँचे हुए हैं अपना चमरंग रोड से जेडी कुछ दिन पहले आग लगी हुई थी, सो गल करन जा रहे हैं सरकार की। अज देखो अज चार सवेरे इन्नी वड्डी परलो आ चुकी आ कि इत्थे इन्नी भयानक आग लगी हुई थी कि किसी का भी एक घर का नामो निशान नहीं बचा। इन्हां दे जो जरूरी डॉक्यूमेंट से जो इन्हां दे दस्तावेज सारे एकदम जल के राख हो चुके, तबाह हो चुके आ। सरकार की गल करिए तो सरकार इत्थे पहुंचियां, इन्हां प्रवासी मजदूरों का अज इत्थे बचा की आ, इन्हां दे घर तबाह हो चुके हैं, इन्हां दे कोल रोटी खाने लई किसी तरीके नाल कुछ भी कह लो इन्हां दा बचा ही कख नहीं, एकदम इन्हां दी जिंदगी तबाह हो चुकी आ। कितों प्रवासी मजदूर अपने खड़िया कर लेंगे, और सरकार की गल करिए तो सरकार ने इतने आण के ऐलान तो किया पर वादा एक भी नहीं पूरा किया। दसो इन्हां प्रवासी मजदूरों का है कौन आ, जिहड़े इत्थे लगभग पिछले 30 साल तो रह रहे थे, इन्हां दे जो छोटे छोटे महल से सारे चल के सवाह हो चुके आ, और इन्हां कोलों इस टाइम खाण वास्ते भी कोई जो फैसिलिटी नहीं हैगी। अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना सी, घट्टो घट जिथे इन्हां दीआं झुग्गियां बर्बाद हो चुकियां सड़ के, कम से कम घट्टो घट उत्थे एक एक कमरे का इन्हां नूं फ्लैट तां बना दिता जावे किसी तरीके नाल, तां जो इन्हां दे सिर ते छत रह सके। इन्नी तप दी धुप्प दे विच अपने निक्के निक्के बच्चे लै के कित्थे जाणगे, इत्थे बस आउंदियां सरकारां फोटोआं खिचा के चले जांदियां, वड्डे वड्डे भाषण दे के चले जांदियां, पर जिहड़ा निजी विच ग्राउंड फ्लोर दे विच जाके वर्क करन दी गल करिए ते ग्राउंड फ्लोर ते कोई फर्क नहीं हो रहा, कोई भी कम नहीं हो रहा सरकारां वल्लों। सो ये जिन्ना भी काम अज इत्थे हो रहा ना, जिवें गल कर रहा सामने समाज सेवी जथेबंदियां पहुंचे आ, वो खाना लैके आ रही इन्हां वास्ते, कुछ उन्होंने पानी का इंतजाम किया होया, कुछ बर्तन दे के गई, कुछ टेंट का इंतजाम करके गई, कुछ कपड़े का इंतजाम करके दे गई। यह रिस्पोंसीबिलिटी बनती है साड़िया सरकार की, पर इतने सरकार कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ तो सिर्फ समाज सेवी जथेबंदियां कर रही। कि यह समाज सेवी जथेबंदियों ने ठेका लिया हो सारे काम करन दा? अगर जो समाज सेवी जथेबंदियों ने इन्ने काम करने तो फिर सरकार आप क्यों बनाने, क्यों आप इन्हों वोट बैंक दे के क्यों इन्हों अपने सिर पर राज करने वास्ते बिठाने? सरकार सुतिया हुई सरकार मैं हाथ जोड़ के बेनती करना कि तुम अपनी कुंभकरण की नीत तो जागो, और कि ना कि इन्होंने बेचारे प्रवासी मजदूरों का जिन्हें घर सड़ के सुबह हो चुके हैं, इन्हों की कोई भी जिनी भी मदद हो सकती वो।